हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज पे। सो देखिए, अभी एचपीपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो पोस्ट है वो निकाली गई है। अब देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है, इसके बारे में डिटेल में क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, क्या क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या कोई इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसको हम जैसे ही सिलेबस इसका आ जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। पहली आपके एचपी ट्रेजरी अकाउंट एंड लॉटरीज में, मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट में पोस्ट देखने को मिल रही है, जो कि आपकी यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर हिमाचल प्रदेश की पोस्ट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे 30 पोस्ट आ रही है अंडर ग्रेजुएट के लिए। यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे 17 पोस्ट देखने को मिलेगी। एससी ऑफ एचपी के लिए 5 है, एसटी के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, ठीक है, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी 1 पोस्ट है। उसी तरह से यहाँ पे अगर एचपी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की बात की जाए, इसमें जो पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट मैनेजर ऑफ इन एचपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड में देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे एक ही पोस्ट है, ठीक है, जो एक अनरिजर्व्ड यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। देन एचपी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की सेक्रेटरी की पोस्ट है यहाँ पे एचपी स्टेट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, ठीक है, और यहाँ पे 4 पोस्टें देखने को मिलेगी, एक आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक आपकी ओबीसी ऑफ एचपी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, और एक आपकी एक्स सर्विस मैन एचपी के लिए है, ठीक है। तो ये अभी के लिए आपके पास ये पोस्ट की इंफॉर्मेशन है। कल या परसों जैसे ही आपकी यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आती है, हम पूरे सिलेबस के साथ, ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये जानकारी देनी थी, ठीक है जी। तो होप करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, और इस तरह से जानकारी बाकी और जानकारियों के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।